इस ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, एक अच्छे भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के लीडर की तरह इस ऑपरेशन को लीड किया और उसमें उनके कंपनी कमांडर आशीष धोचक, जो सिर्फ 34 साल के हैं, और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जो कि जेएंडके पुलिस के डीएसपी हैं, इन्होंने अपनी शहादत दी। और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। सुबह 6:45 पर कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बात की थी और कहा कि हमें ऑपरेशंस में जा रहे हैं और कल लड़ते हुए हमारे जाबाजों ने टेररिस्ट के साथ अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दी। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो हम मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पर लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने QRTs को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। साथियों, आपको इन तकलीफों का अंदाजा शायद ना हो, हमारे साथियों ने इसी एरिया के अंदर हमने काम किया हुआ है और इस बेशर्मी की जो मिसाल हमारे मोदी साहब ने जो दी है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को एक कुछ वीडियो दिखाकर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये भाई में हमारे साथी हैं, परिवार हैं, जो एक तरफ लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके परिवार में दुख मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी से फूलों को स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से फूलों की मोदी जी पर बारिश हो रही है। शर्म की बात है। और देश की सेना, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, हमारे वार्ड बहुत सारे सैनिकों के ग्रुप हैं, पूर्व सैनिकों के ग्रुप हैं, सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री है, ये कैसी हमारी सरकार है जो अपने आप को देशभक्त सरकार बोलती है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार बोलती है, जो अपने सैनिकों के और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत के ऊपर उनका मान सम्मान ना कर उनकी उनकी अवहेलना करके असंवेदनशीलता दिखाकर अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। शर्म की बात है।
साथियों, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको हम 2019 के कुछ पल दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं, जब 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जाबाज सैनिक अपनी कॉन्वॉय में श्रीनगर जाते हुए, जिनको जहाज डिमांड करने पर जहाज से ना ले जाकर रोड के रास्ते ले जाया गया और 40 हमारे साथी शहीद हुए, और वो भी ऐसी इसी जगह के पुलवामा और अनंतनाग, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साउथ कश्मीर हॉटबेड है मिलिटेंसी के तौर पे, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस साल, और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घटेगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पुलवामा के कुछ पल, जब वीडियो दिखाएंगे, ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी। 250 किलो RDX पुलवामा में घूम रहा था हमारे साथी। हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि RDX वहां पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है, और 250 किलो RDX किस तरह से उस समय पर वहां पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। क्या ये सही है? मैं आप प्रेस के मेंबरान से कहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? देश का सैनिक अपने देश के लिए अपना खून बहा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अपनी बेरुखी की हदें पार करते हुए अपनी महिमा मंडन करते रहे, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते रहे, या अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में फूलों की बरसात अपने ऊपर करते रहे। तो इस मौके पर मुझे एक बड़ा अप्रोप्रिएट है, माखनलाल चतुर्वेदी, जो बहुत ही नोन पोएट हुए हैं, उनकी एक कविता है, उसको याद करता हूं आज मैं और आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, और वो कहते हैं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वरमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, और संस्कृति की बात करने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के सैनिकों की, उनके सैक्रिफाइस की, उसके ऊपर अपने प्रोग्रामों को बिना रोके अपने कार्यक्रम बढ़ाते जाते हैं, तो ये एक शर्म की बात है। इस ऑपरेशंस के अंदर एक कमांडिंग ऑफिसर ने लीड करते हुए लड़ाई लड़ी, शहादत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर का बहुत बड़ा एक एग्जांपल कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंस आई, उसके ऊपर काम किया गया, काम करने के बाद उसके ऊपर उनको एलिमिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। इसमें कई और ऑपरेशनल मुद्दे और इंटेलिजेंस से रिलेटेड मुद्दे होंगे,
जिनके बारे में हम आज बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आज भी अभी ये ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन को मान और सम्मान देते हुए हम किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक ये बड़ा ही डेलिबरेट एम्बुश है, इसको फौज की भाषा में डेलिबरेट एम्बुश कहा जाता है, जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद उसके इंफॉर्मेशन के तहत लेयर किया जाता है, एम्बुश ग्राउंड ले किया जाता है और उसमें जब कभी डिफेंस की पार्टीज जाती हैं तो अचानक फायरिंग होती है। तो एक ये डेलिबरेट एम्बुश का एक एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कुछ बात कही थी जो आज भी रेलेवेंट हैं। इस साल तकरीबन 30 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, काफ़ी हमारे सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है। इसके साथ साथ हमारे जो सैनिकों के लिए बड़ा ही कड़ा वक्त है, डिफ़िकल्ट टाइम है, ये इलेक्शन का ईयर है, पुलवामा भी इलेक्शन के साल में हुआ था। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर ये भी कहा कि ये साल हमारे देश के सेना के लिए सबसे मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और कितनी घटनाएं ऐसे घटेंगी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फौजों को और देश की सेनाओं को सतर्क रहना पड़ेगा और किसी तरह का भी जो अंदेशा है गलत ताकतों का हमारी देश की सेना को कमज़ोर करने का या उसको आहत करने का, तो उससे हमें बचते हुए अपने दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें मोदी साहब से कुछ सवाल तो ज़रूर पूछने पड़ेंगे कि मोदी साहब, आपने किस चीज़ का आप सेलिब्रेशन कर रहे थे, ऐसा क्या काम किया था आपने जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? आप अपने ही लोगों के बीच में ही अपना महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? आपकी ऐसा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से इतनी बड़ी न्यूज देश में आई और उसके बावजूद आपने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और अपने प्रोग्रामों को रोका नहीं? तो ये हम सवाल मोदी जी से साफ साफ पूछना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कई सारी और भी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, आने वाले समय के अंदर बात करेंगे। लेकिन हमारा देश इस टाइम पे आहत है, घायल है, लेकिन हम फिर वापस उठेंगे, लड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इसी मुहिम को आगे लेते हुए चलेंगे। और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से कि देश की सेना आहत है, देश के लोग आहत हैं मोदी जी, देश के सारे देशभक्त नागरिक आहत हैं।